तो फ्रेंड्स, वन ऑफ द बेस्ट ऑल इन वन एमुलेटर बताना चाहता हूँ आपको। ये सबसे फर्स्ट नंबर है लिमोराइड बीटा, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। एक साल पहले का ही रिलीज़ है, तो इसको मिस मत करना। इसके अंदर हमको मेन सबसे बड़ी बात आती है, जो हमारे पास एमुलेटर अपडेटेड नहीं है या तो हमारे अवेलेबल नहीं है डिवाइस में, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी लिस्ट है। ये ऑल इन वन एमुलेटर है। लिमोराइड के अंदर अराउंड 23 एमुलेटर अवेलेबल हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ी लिस्ट है जो सपोर्टेड है, और जो अपकमिंग है काफ़ी बड़ी लिस्ट है, तो आप इसको मिस मत कीजिए। क्योंकि अभी चल क्या रहा है, एमुलेटर लगभग तो डिसकंटिन्यू हो रहे हैं, रीज़न तो आपको पता ही है क्यों हो रहा है, लेकिन लिमोराइड वन ऑफ द बेस्ट है। क्यों, वो अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और डिवाइस की रिक्वायरमेंट भी बताऊँगा। तो सबसे पहले इसके अंदर हमको फीचर्स ऐसे मिलते हैं जो कि काफ़ी काम के हैं और विदाउट एड्स के हैं। आप नीचे फीचर्स में इसके ऑप्शन देखोगे तो वहाँ पे ही पता चलेगा। अभी जैसे कि जिनको नहीं पता है टच स्क्रीन कंट्रोलर, तो इसके अंदर गेमपैड का काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है। इसके अंदर ना ही कोई एड्स आती है, मतलब कि ये ओपन सोर्स है और कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। हाँ, बस आपका कोई नेक्स्ट ईयर का कोई हाई एंड डिवाइस हो या तो हाई एंड मिड रेंज हो, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, मैक्सिमम मिड रेंज में ही हो जाएगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है। इसके अंदर हमको ऑलरेडी इंक्लूड मिलते हैं एमुलेटर और कुछ नहीं है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। अभी दूसरे में लॉन्चर की तरह होता है, उसके अंदर हमको अलग से एमुलेटर डालने पड़ते हैं, लेकिन ये इंक्लूड है। और सबसे मेन बात आती है, क्लाउड सेविंग का ऑप्शन है जो कि काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं, तो क्लाउड सेविंग अगर हमको हमारे पास समझो कोई डिफरेंट डिवाइस मिल लेते हैं तो उसके लिए भी अकाउंट अंदर होता है, काफ़ी सही है। चलो, और ये ओपन सोर्स है तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, काफ़ी बेस्ट है। सो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, बाय फ्रेंड।